गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आई एम योर साइंस टीचर। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू अबाउट रोटेशन, रिवॉल्यूशन एंड अर्थ। नाउ टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ योर चैप्टर नोट्स एंड डिफाइंड आर कम्प्लीटेड। सो टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन एंड आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? सो रोटेशन इज ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। एज आई हैव टॉट यू इन माई प्रीवियस वीडियो एंड प्रीवियस एंड माई प्रीवियस क्लास दैट रोटेशन कॉज डे एंड नाइट। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में और क्लास में भी एक्सप्लेन किया था रोटेशन क्या होता है और रोटेशन के बाद क्या कॉज होते हैं, डे एंड नाइट। तो रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में अर्थ अपने ही एक्सिस में घूमती है चारों ओर, दैट इज रोटेशन। और रोटेशन के बाद डे एंड नाइट कॉज होते हैं। एंड रिवॉल्यूशन में अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करती है और इस रिवॉल्व में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब पूरा 1 ईयर। तो इससे क्या होता है, धीरे 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 अर्थ रिवॉल्व करती है तो इससे सीजन्स कॉज होते हैं। ठीक है, तो सीजन्स, पहले स्प्रिंग सीजन, ऑटम, ऐसे सीजन्स आते हैं ना, समर, विंटर, ऑटम। तो ये सीजन्स कॉज होते हैं ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर डेज एंड नाइट कॉज्ड। डेज एंड नाइट कॉज्ड बाय द डेज एंड नाइट क्यों कैसे कॉज्ड होते हैं? बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन से डेज एंड नाइट कॉज्ड होते हैं। नाउ हाउ आर सीजन कॉज्ड, सीजन कैसे कॉज्ड होते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन से सीजन्स कॉज होते हैं। ओके, दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ कम टू द फिलिप्स। डेस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की हाउ मेनी लेयर्स अर्थ हैव? 2 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ओके, नाउ सरफेस ऑफ द अर्थ इज इन्वॉल्व बाय एटमोसफेयर। जो हमारा अर्थ की सरफेस है, अर्थ में चारों ओर क्या पाया जाता है? एटमोसफेयर पाया जाता है। एटमोसफेयर एयर से, इनके मिक्सचर से जो बनता है, दैट इज एटमोसफेयर। तो हमारा जो अर्थ है वो एटमोसफेयर से इन्वॉल्व रहती है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा एयर है उसमें 21% तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में। ओके, यू नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस एयर में पाई जाती हैं। अब कितनी परसेंट में ऑक्सीजन पाया जाता है? 21 में, और नाइट्रोजन 78%। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ कहाँ रोटेट करती है? अपनी ही एक्सेस में रोटेट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। द अर्थ हैज 2 लेयर, मेंटल एंड कोर। दैट इज ट्रू या फॉल्स? दैट इज फॉल्स। अर्थ की 2 नहीं 3 लेयर्स होती हैं। हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स होती हैं। तो इसको, ये क्या है? फॉल्स है। ओके, अर्थ की 3 लेयर्स होनी चाहिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। नाउ नेक्स्ट इज द पॉल्यूशन ऑफ इन द एटमोसफेयर कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉल्यूशन जो होता है, जो हमारे पॉल्यूशन कॉज होता है स्मोक से, बहुत इन्वायरमेंट जो बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एज यू नो दैट करता है। तो दैट इज ट्रू। ओके, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी डिजीजेज हमें इसके थ्रू, पॉल्यूशन के थ्रू हो सकती हैं। तो द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ अपनी ही एक्सेस में स्पिन करता है, कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट की ओर। दैट इज फॉल्स, ये गलत है। जो अर्थ स्पिन करेगी अपनी ही एक्सेस में, वेस्ट से ईस्ट की ओर करती है, नॉट ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स बाय इक्वेटर। अर्थ डिवाइडेड है 2 इक्वल हाफ में इक्वेटर के थ्रू। दैट इज ट्रू, ये ट्रू है। ओके,